नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप एक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं काफी लंबा प्रॉफिट देखे गया, और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में जो भी हाथ में पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। एज ए एग्जाम्पल, अभी आपका सामने 21,700 का निफ्टी का कॉल का चार्ट आपका सामने खोला हूं। अब यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट मैं पहले बता देना चाहता हूँ। ये जो रेड कलर का और ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल है, और जब भी कोई सिग्नल बनता है आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। अब सिग्नल कितना स्ट्रांग है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, यहाँ पर तीन कंडीशन देखना पड़ता है। यहाँ पर एक रेड एंड ग्रीन स्टार भी बनता है, अगर सिग्नल का स्टार बनता है तो ये एक पहला कंफर्मेशन है। नीचे का जो रिबन है इसका कलर रेड होता है तो सेलिंग के लिए, ग्रीन होता है बाइंग के लिए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है सेंटिमेंट, मतलब नीचे का ये जो इंडिकेटर है इसे हम लोग ब्रिक्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट भी बोलते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है, इसका मेन काम है जो ये जो व्हाइट कलर का आपको लाइन दिख रहा है, व्हाइट लाइन के ऊपर अगर ब्रिक्स का मूवमेंट हो रहा है तो बाइंग सेंटिमेंट, इसका नीचे हो रहा है तो सेलिंग सेंटिमेंट। तो आपको तीन चीज को नोटिस करना है, जहां पर स्टार, नीचे का रिमोन और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर तीनों एक साथ आपका फेवर में रहेगा तो वही पोजीशन में आप लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये बेसिक चीज था। अब कभी कभार क्या होता है, मार्केट अगले दिन का कॉल कैरी फॉरवर्ड करता है, जैसे आज को मैं 12 तारीख का चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, ये आपका सेकंड कैंडल है। तो सेकंड कैंडल पे खड़ा होकर एक ट्रेडर को क्या देखना पड़ता है, सेकेंड कैंडल को खड़ा होकर एक ट्रेडर को यही देखना पड़ेगा अगर कोई कॉल अगले दिन से कंटिन्यू हो रहा है। जैसा अगर आप देखेंगे 11 तारीख का बात करूंगा, यहां पर ये जो कैंडल है इसका बात करो, यहां पर फोकस कीजिए, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये जो कैंडल है इसका, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ेगा तभी मार्केट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो 11 तारीख को भी मार्केट कैरी फॉरवर्ड हो सकता था बट ये फर्स्ट कैंडल का हाई नहीं तोड़ा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो वैसे सेम रूल आज के लिए भी लागू होता है। तो ये 12 तारीख का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, अब आज का जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई यहां पर खड़ा है, तो मैं ये बाय का कॉल को तभी कंटिन्यू कर सकता हूँ जब ये फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ेगा, अदर स्टॉक बाकी का जो कंडीशन है सब कुछ मेरा फेवर में बाइंग के लिए। ग्रीन स्टार ऑलरेडी है, नीचे का रिबन ग्रीन है और ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है वो व्हाइट के ऊपर है। तो आप बाय तभी कर सकते हैं जब तक ये फर्स्ट कैंडल का हाई को नहीं तोड़ेगा तब तक। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और उसका साथ साथ आपको नीचे का ब्रिक्स का तरफ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो जाए जो आप यहाँ पर एंट्री लेने जा रहे हैं और ब्रिक्स व्हाइट का नीचे आ गया। तो दोनों तरफ ही ध्यान में रखना है। तो इस कैंडल पे मुझे दिखाई दे रहा है 170 171 का जो वैल्यू है, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ चुका है, इसका मतलब है ये कॉल कैरी फॉरवर्ड होने वाला है और बाकी का जो कंडीशन है वो आपका फेवर में है ही, तो आप यहाँ पर एंट्री ले लिए। सोचिए आप 171 में एंट्री लिए। अब अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिए 10-15 पॉइंट भी इनफ होता है, बट यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 220 का हाई मारा था, मतलब उस हिसाब से आप देखेंगे तो 50 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, 50 पॉइंट मोर देन इनफ, कोई सिग्नल का जरूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड किए, बाकी का कंडीशन आपका फेवर में होना चाहिए और आप तब तक वेट कर सकते हैं जब तक नीचे वाला इंडिकेटर व्हाइट का नीचे नहीं आता है। तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है, जैसे ही ये व्हाइट का नीचे आया तो उस टाइम मार्केट का वैल्यू क्या था, 218 के आसपास था। इसका मतलब मैं 170 का ऊपर बाय करके 118 218 तक वेट कर सकता हूं, उसके बाद मुझे वेट नहीं करना है। अल्टीमेट देखिए यहां पर एक बार ऊपर तो गया था बट अल्टीमेटली धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है वो व्हाइट का नीचे धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है और फाइनली यहां पर सेलिंग का कॉल बना। अब क्वेश्चन ये है, ये एक फ्रेश कॉल है, यहां पर क्या सेलिंग करेंगे, कंडीशन क्या है, नीचे का रिबन का कलर रेड होना चाहिए, जो रेड है ब्रिक्स आपका फेवर में होना चाहिए व्हाइट का नीचे, बट यहां पर देखिए कोई रेड स्टार बना नहीं है तो विदाउट स्टार ये कॉल कंफर्म नहीं होगा, तो हम लोग वेट करेंगे, स्टार बाद में भी आ सकता है।
अगर आएगा तो मैं ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा, अगर नहीं आता है तो ट्रेड नहीं होगा। फाइनली देखिए मार्केट में स्टार बना नहीं, मार्केट रिवर्स करके दोबारा बाइंग का कॉल दे दिया। अब इस बाय का कॉल में वही सेम चीज देखना है, नीचे करीबन ग्रीन है, जो ब्रिक्स आपका नीचे आया था, मतलब जो सेंटिमेंट नीचे आया था, दोबारा बाइंग सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है और इस बाय का कॉल में दोबारा ग्रीन स्टार नहीं बनेगा क्योंकि स्टार आपका ऑलरेडी कंटिन्यू फॉर्मेशन में है। तो आप यहां पर दोबारा बाइंग पोजिशन पे एंट्री ले सकते हैं और वो एंट्री आप तब तक कंटिन्यू कीजिएगा जब तक नीचे वाला ब्रिक्स इंडिकेटर दोबारा व्हाइट का नीचे नहीं आता है। तो सेंटिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सेंटिमेंट को सही से समझ के काम करेंगे तो आप आराम से यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए दोबारा यहाँ पर नीचे आया, अगर आप यहाँ पर भी मार्केट को छोड़ते हैं तो भी उस हिसाब से आप 30 पॉइंट प्रॉफिट बना लिए। तो ऑप्शन अगर आप बायर से तो रूल को सही से फॉलो कीजिए, रूल सही फॉलो करने से रिजल्ट भी सही मिलेगा। अगर ये व्हाइट को तोड़ के दोबारा ऊपर जाते हैं तो आप दोबारा यहाँ पर री एंट्री मार सकते हैं। नीचे का रिबन अभी भी ग्रीन है और अगर आप ब्रिज को देखते हुए एग्जिट कर लिए तो यहाँ पर इसको देखते हुए दोबारा री एंट्री मार सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन का मूवमेंट है, देखिए जैसे कि ये व्हाइट का दोबारा नीचे आ गया तो समझ जाना है पोजीशन को चेंज करना है या सेंटिमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन बायर से या ऑप्शन सेलर से या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सही लॉजिक को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी आपको उसी हिसाब से आएगा। फाइनली देखिए यहाँ पर सिग्नल बना विद स्टार, नीचे करीबन रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, तो इस टाइप का कॉल आपके लिए सही है, इसमें आपको ट्रेड करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक से जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है, मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, वीडियो में देखिए जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।